इंद्री की नगरपालिका में आज सुबह ऐसा बवाल हो गया कि नगरपालिका कर्मचारी काम छोड़ धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल आज सुबह रोड बेलदार के साथ किसी बात को लेकर वार्ड नंबर 9 की पार्षद के पति ने बदसलूकी कर दी, जिससे नगरपालिका कर्मचारियों ने पार्षद के पति के खिलाफ काम छोड़ धरने पर बैठ गए। नगरपालिका में मायाराम रोड बेलदार के पद पर तैनात है और वो वार्ड नंबर 9 पार्षद को उनके द्वारा की गलत कंस्ट्रक्शन को लेकर उनको नोटिस देने गए हुए थे। इसके बाद पार्षद का पति हरविंदर उनके ऑफिस आए और मायाराम के साथ बदसलूकी करने लगे और कहने लगे कि तूने मेरे वार्ड में नोटिस कैसे भेज दिया। इसके बाद मायाराम ने हरविंदर को कहा कि वो अधिकारियों के निर्देश पर गया था, अपनी मर्जी से नहीं। बस फिर क्या था, इसे लेकर नगरपालिका में काफी देर हंगामा मचता रहा। इसके बाद सभी कर्मचारी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। नौ में एक नक्शे के अकॉर्डिंग नोटिस ले गया था और जेई साहब एमई साहब के आदेश से गया था, तो वो नोटिस मैं लेके गया उनको। उनको समझाया मैंने भी आपका ये नोटिस है बिना नक्शे के आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है, लेकिन वो लेकर हमारा प्रॉपर्टी आईडी नंबर जारी किया, मैं आप ये नोटिस लेके दफ्तर मिल लो, जाके अपना प्रॉपर्टी आईडी जो है इशू करा लो। उन्होंने मेरी बात मानी और फिर पार्षद के पति हैं जो डिंपल उर्फ हरविंदर सिंह है, वो दफ्तर में आते मेरे को गाली देने लगा, बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई नोटिस देने की वहाँ। और मैंने उसको समझाया, मैं भाई तू आराम से बात कर, कहता मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा, तू बाहर निकल के देख तेरे को मैं। फिर मेरे को जान से मारने की धमकी देने लगा और गाली क्लोज करके फिर जेई साहब को भी उसने मतलब अभद्र भाषा जेई साहब के साथ उन्होंने की। हालांकि इसके 3 घंटे के बाद नगरपालिका सचिव मोहित कुमार और एमआई नवीन धीमान और नगरपालिका प्रतिनिधि अमित गोयल ने मौके पर पहुंचकर पार्षद के पति और रोड बेलदार के बीच समझौता करवा दिया। सुबह से इशू हो गया था, उसमें जो हमारे वार्ड नंबर 9 के एमसी के पति हैं डिंपल जी, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, मैंने अपनी गलती मान ली। चलो भाई, जो हमारा आपसा 3 घंटे से जो मनमुटाव चल रहा था वो दूर हो गया अब, और उन्होंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली। ऐसा कोई मनमुटाव नहीं, भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे वो। उन्होंने बोल दिया जी मैंने भी अपना मेरी जो गलती हो मैंने अपनी तरफ से माफ़ी मांग लिया, उन्होंने अपनी तरफ से। एक्चुअली मैं आज करनाल मीटिंग में गया था तो मेरे पास मैसेज आया था कि कोई पार्षद प्रतिनिधि में और स्टाफ में कोई गलतफहमी हो गई है, और अभी आके हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ये पार्षद प्रतिनिधि और स्टाफ सारा अपना एक ही परिवार है और जो समस्या थी उसका निवारण कर दिया गया है। आपको ऐसी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है हमारे बीच, ये सारा अपना एक ही परिवार है। सभी काम पर चले गए, बिल्कुल काम के लिए आदेश दे दिए गए हैं और आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर कर दिया गया है। वहीं नगरपालिका सचिव मोहित कुमार ने बताया कि दोनों के बीच जो मनमुटाव था अब वो दूर हो गया है, सभी कर्मचारी अपने काम पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सब एक ही परिवार के हैं, अब कोई विरोधाभास नहीं है। इंद्री से मेनपाल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।